दोस्तों वीडियो में बात करेंगे आयरन से शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों वीडियो टाइम आप देख पा रहे हो, आयरन से ने एक अच्छा रिवर्सल दे दिया है। एंड देखिए बॉटम से रिवर्सल आया और लॉन्ग यहाँ पे 205 रुपए के नीचे आज देखने को मिला। और लॉन्ग स्टॉक के जो लो थे आज के 200 रुपए 70 पैसे के लगते हुए देखने को मिले हैं। देखिए इस स्टॉक को लेकर अभी के टाइम अगर बता दूं मैं, तो बजट से पहले जो आपकी ब्रोकरेज है वो बोल रही है सर की यहाँ पे IFL है, वो मतलब उसने भी अपना व्यू यहाँ पे दिया है कि बजट के बाद अगर मान के चलो गवर्नमेंट कुछ बजट में अनाउंसमेंट करती है नई ट्रेनें वगैरह कि भाई इतनी ट्रेनें यहाँ पे चलाई जाएंगी, तो सीधा सीधा जो फायदा है ना भाई वो आपके एक तो आर्मिनल को मिलेगा एंड आपके IRFC मिलेगा, आई जो आपका IRFC इसको मिलेगा क्योंकि काम आपका आर्मिनल करेगा एंड फाइनेंस आपका IRFC करेगा, तो इन दोनों स्टॉक को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एंड अभी टाइम आप देखोगे तो आपका आर्मिनल तो एक अच्छे लेवल से रिवर्सल कर चुका है, ऑलमोस्ट 5% की तेजी के टाइम आपको आर्मिनल में देखने को मिल रही है। जबकि अभी के टाइम मार्केट की बात करूँ मैं तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट, ऑलमोस्ट भाई मार्केट आज 240 पॉइंट के आसपास गिरावट में दिख रहा है, बट फिर भी अगर देखें तो IRFC आर्मल जो भी रेलवे के शेयर थे, रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर थे इरेडा वगैरह, उनमें भी ये टाइम हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है क्योंकि दोस्तों आज 19 जुलाई हो चुकी है एंड 20-21 को तो मार्केट का ऑफ रहेगा एंड आपका जो मार्केट है डायरेक्ट 22 को खुलेगा यहाँ पे, तो 22 एंड 23 फिर 2 दिन यहाँ पे मार्केट अच्छा कर सकता है क्योंकि बजट का जो माहौल है वो बन जाएगा एंड यहाँ पे हमें जो IRFC आर्मल रेलवे के शेयर थे वो फिर से हमें चलते हुए नजर आ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए जो गिरावट हुई है ना, इस गिरावट में सबसे मेन फैक्टर वाली बात ये कि स्टॉक में देखो ज्यादा वॉल्यूम नहीं थी, आज फिर भी स्टॉक की वॉल्यूम ठीक ठाक है और लॉन्ग स्टॉक की आज की वॉल्यूम दोस्तों 11 करोड़ के आसपास की टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं। ट्रांजेक्शन की बात करें तो 2282 करोड़ जो मतलब 2282 करोड़ के शेयर यहाँ पे हमें आज एक्सचेंज होते हुए नजर आए हैं। और वही डिलीवरी की बात करूँ मैं तो 22% शेयर यहाँ पे डिलीवर होते हुए नजर आए जो कि बहुत कम है। इस हिसाब से स्टॉक अगर रॉकेट बनना होगा तो भाई डिलीवरी स्टॉक की बढ़नी होगी, अराउंड 40% डिलीवरी स्टॉक की आनी होगी, मतलब जो डिलीवरी है वो डिमांड बताएगी। अभी के टाइम लोगों को डर है, लोग इसलिए नहीं खरीद रहे। देखो जो भी आपके एक तो इरकॉन वाले इन्वेस्टर, एक आपके IRFC वाले इन्वेस्टर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अभी के टाइम ले रहे हैं आपके आर्मल में। आर्मल में इसलिए इतना जल्दी मूवमेंट बनता है क्योंकि लोगों को देखो IRFC इसी थोड़ा डर है कि अगर ऑफर्स आ गया तो यहाँ पे पैसा थोड़ा सा फंस जाएगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। बट अभी के टाइम देखो ऑफर्स अगर आता भी है तो भाई ऐसा नहीं कि ऑफर्स आने के बाद क्या पूरा ही खत्म थोड़ी ना हो जाएगा, ऑफर्स आएगा उसके बाद भी चलेगा। एंड बजट में अगर मान के चलो कुछ अनाउंसमेंट होती है तो बजट के दिन तो कुछ बड़ा होना ही होना ही है, यहाँ पे एक नया हाई पे लग सकता है और यहाँ पे 15-16% तक की भी तेजी नजर आ सकती है। जो आप अभी के टाइम सोच रहे हो कि भाई मैंने 200+ यहाँ पे खरीदी गलती कर दी, तो बजट के दिन का वेट करो आप क्योंकि आप ज्यादा टाइम नहीं, 2 दिन मार्केट का ऑफ है एंड ऑलराउंड यहाँ पे 4 दिन बजट के ओवर है, उसके बाद आपको कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। और अभी के टाइम देखा जाए वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, 41 का यहाँ पे पी चल रहा है। अगर क्यू फर्स्ट के रिजल्ट बेटर आते हैं, बजट में कुछ अच्छा होता है तो आगे ये पी हमें 55 के आसपास देखने को मिल सकता है। स्टॉक के जो टारगेट है ऑलमोस्ट 260+ तक के रह सकते हैं बजट के आसपास, तो ये चीज आपको समझना होगा। देखो दोस्तों 43 अभी के टाइम आपके 43 लाख आपके बाहर है एंड 95 लाख अभी के टाइम आपके सेलर देखने को मिल रहे हैं। वही अगर मैं बड़े प्रोग्रेस की बात करूँ की उनका व्यू क्या है, देखो मार्केट में आज गिरावट के पीछे की वजह बात हूँ मैं तो देखो की यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा यहाँ पे आज मतलब कमजोर तरीके से काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रेडर वगैरह है उनको बहुत दिक्कत आ रही थी जो कंप्यूटर PC वगैरह वो काम नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा मार्केट में ऑर्डर काम करना थोड़े से डीले हुई, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा फर्क पड़ा है। एंड बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अभी के टाइम आपके जो नॉर्मल शेयर है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। मेन पॉइंट आपके जो अपडेट है देखिए दोस्तों अगर आप मतलब बजट के अकॉर्डिंग अगर हम शेयर देखें यहाँ पे कि भाई बजट के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि कौन से शेयर अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेलवे वगैरह के शेयर थे दोस्तों इनमें हमें अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। ब्रोकरेज क्या कह रहा है देखिए रेलवे स्टॉक को लेकर यहाँ पे देखिए आपके इंडियन रेलवे जो आपका IRFC है इसको लेकर पिछले 1 महीने में 18% भाग चुका है। वही यहाँ पे जो आपका जो फिजडम रिसर्च के एक नोट में कहा गया है कि बजट घोषणाओं का लक्ष्य रेलवे की बुनियादी ढांचे विस्तार एंड आधुनिकरण करना है, जिसमें नई लाइनें बिछाना, स्टेशन मतलब स्टेशन है उनका पूर्ण विकास करना, आधुनिक ट्रेनें शामिल हो सकती है। ये ब्रोकरेज ICAI जो यहाँ पे IRCTC का बजट घोषणाओं के संभावित लाभार्थियों में से एक है, मतलब ये बोल रहा है कि भाई जो IRFC शेयर ना बजट में अगर कुछ भी अनाउंसमेंट होता है तो सबसे ज्यादा लाभार्थी रहने वाला है आपका IRFC क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है, इसकी सेगमेंट में इसकी जो यहाँ पे कंपिटेटिव कंपनी कोई भी नहीं है, ये एकमात्र कंपनी है, इसलिए स्टॉक में इतना फोकस किया जाता है। जो बड़े प्लेयर्स है वो भी धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाएंगे। जैसा कि अभी के टाइम बता दूं मैं तो देखिए जुलाई से अब तक अगर देखें तो पसंदीदा स्टॉक टाटा पावर यहाँ पे रहा है जिसमें 2.5% के आसपास की गिरावट नजर आई है, सोलर एनर्जी रहा है एंड वही दोस्तों जबकि JM Finance 6% की गिरावट यहाँ पे आई है जो
बस उसमें जहां तक बिजली की देखो जो पावर शेयर है उनमें भी अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि 500 गीगावाट तक का गवर्नमेंट लक्ष्य लेके चल रही है 2030 तक। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन दोस्तों। सबसे मेन चीज में पहले मैंने कहा रखा करेगा आपको कि भाई जो रेलवे के शेयर ना देखो, IRFC को मैंने बोला था कि IRFC 200 जो पहला सपोर्ट था 205 रुपए का था कि भाई इसके नीचे जाने के चांसेस कम, अगर ये टूटता है तो भाई चांस 200 दिख सकता है। तो करंटली 200 के लेवल से एक अच्छा रिवर्सल आने की पूरी संभावना बन रही है। एंड आपको अगेन दोस्तों स्टॉक आराम से यहाँ पे जो आपका नया हाई है वो बनता हुआ नजर आ सकता है बजट के दिन। एंड जो रही बात सोमवार की, तो सोमवार को यहाँ पे अगर मार्केट सही रहता है और अगर खरीदारी आती है बजट की आशा है जो आशा है जो आशा है वो अगर ठीक से रहती है तो सोमवार को भी स्टॉक में एक अच्छा जो बाउंस है वो देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैं टाइम बता दूं, देखिए मार्केट गिरा है तो ज्यादातर शेयर आपको फ्रेश में दिखेंगे, रेड जो जोन है उसमें देखने को मिलेंगे। एंड यही बात करूं मैं IRFC आरएमएल रेलवे के शेयरों के बारे में, तो IRFC में देखो इतना बाउंस नहीं है, फिर भी पता है दोस्तों तो भी टाइम स्टॉक पॉजिटिव जोन में देखने को मिल रहा है। आरएमएल में देख सकते हो एक झटके में 5% की तेजी आ चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग वगैरह मिल चुका है। एंड आपको मैंने पहले भी एक चीज कही थी यहाँ पे कि देखो मौका बनेगा अगर आरएमएल आपको अगर यहाँ पे 580 रुपए के लेवल के आसपास मिलता है एक अपॉर्चुनिटी बनेगी ना, आज तो 580 रुपए के आसपास ही देखने को मिला है। एंड IRFC के लिए मैंने क्या कहा था, जैसा कि आप देखोगे चार्ट पर अभी के टाइम IRFC के लिए मैंने एक चीज कही थी कि ज्यादा गिरावट नहीं होगी एंड IRFC आगे रिवर्सल करेगा। तो अभी के टाइम रिवर्सल नहीं आया है बट एक बॉटम स्टॉक के अंदर यहाँ पे क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, बजट को ज्यादा टाइम नहीं है तो जो गिरावट होनी थी लगभग गिरावट हो चुकी है, रिवर्सल का टाइम। देखिए दोस्तों चार्ट में आपको एक चीज दिख रही है कि भाई कोई बड़ी रैली स्टॉक में नहीं आई कि बड़ी जो गिरावट है यहाँ पे होनी चाहिए, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो एक महीने में 20-22% के आसपास रैली आई जो कि लगभग इस गिरावट के साथ 5-6% तो टूट चुका है। तो यहाँ पे जो मेन सपोर्ट है स्टॉक का वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो मेन सपोर्ट ऑलमोस्ट 200 रुपए का बनेगा, 200 से आसपास आपको रिवर्सल दिखेगा एंड 200 रुपए के आसपास आ चुका है, अब एक बार फिर से रिवर्सल देने की तैयारी यहाँ से होने वाली है। गिरावट में वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम वॉल्यूम है, तो ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी छोड़ता कि कंटिन्यू अपडेट्स आपको